हेलो दोस्तों, आज हम डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल कुनूर के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा जीन के बारे में जानना है। जीन होता है बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोजोम, और आप लोग जानते हैं जो भी लिविंग स्पीशीज है उन लोगों में दो तरह के क्रोमोजोम पाए जाते हैं। एक है सेक्स क्रोमोजोम और एक है ऑटोजोम। जो ऑटोजोम होता है वो बॉडी को बनाता है, और जो सेक्स क्रोमोजोम है वो मेल और फीमेल होगा उसको डिटरमाइन करता है। तो जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में दो तरह के वर्ड है, एक है रेड डोमिनेंट और है और एक वर्ड है रेड फैक्टर। जो रेड डोमिनेंट जीन होता है उसमें जो रेड जीन होता है वो ऑटोजोम के साथ लिंक्ड होता है, और जो रेड फैक्टर होता है उसमें रेड जीन सेक्स लिंक्ड होता है। तो हम डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो सेक्स लिंक्ड है, जिसके इसमें जो रेड क्रोमोजोम है वो ये सेक्स लिंक्ड होता है। इनके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव चीज़ है। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल कनूर का बच्चा है। ये अभी 2 मंथ्स का है, ये अभी खाना नहीं सीखा है। इसके आप देख सकते हैं, इसके डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल का जो आई का सर्कल होता है वो बिल्कुल रेड होता है, और इनका बॉडी का लोअर एब्डोमेन से बीक के नीचे तक का पूरा बॉडी रेड कलर के फेदर से पूरा भरा भरा होता है। इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा नेक के पास कम होता है, लेकिन इनका बॉडी लोअर एब्डोमेन से पूरा आँख के ऊपर तक पूरा रेड फेदर से भरा होता है। बहुत लोगों को इसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्योंकि ये जो डबल रेड फैक्टर है इसका 2 जीन्स है, जो जो कि 2 जीन्स ही सेक्स लिंक्ड है। ये एक पार्ट जो लोअर एब्डोमेन को बनाता है और एक पार्ट है वो आई सर्कल को बनाता है। तो इनका पूरा बॉडी भी रेड होगा और इनका आई सर्कल भी रेड होगा, तभी हम कोई भी बर्ड को डबल रेड फैक्टर बोल सकते हैं इन स्मॉल कोनूर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्योंकि स्पीसीज टू स्पीसीज रेड फैक्टर जीन का इफेक्ट भी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पेरेंट है, इसका भी आप देखिए पूरा जो लोअर एब्डोमेन से बीक के नीचे तक पूरा रेड कलर है, और आँख भी पूरा रेड फेदर से भरा हुआ है। इस तरह का बर्ड को हम लोग डबल रेड फैक्टर बर्ड्स बोल सकते हैं। और इन लोगों को अगर आप सिलेक्टिव क्रॉस ब्रीड करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे इसका जो रेड कलर है ये भी ब्राइट का रेड कलर का ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर का होता है, बट आप जब जनरेशन टू जनरेशन इसको क्रॉस ब्रीड कराते जाएंगे तो ये रेड कलर का फेदर का इंटेंसिटी और ब्राइटनेस और भी बढ़ता जाएगा, और ये ब्लड रेड की तरह दिखेगा, बिल्कुल सिंदूर की तरह दिखेगा ये कलर। तो जब इस तरह का जो कलर आएगा तब देखिएगा इसका गले के पास जो ब्राइटनेस कम होता है वो भी पूरा भर जाएगा, और उस तरह का बाड़ को हम हाइपर रेड फैक्टर बोलते हैं। इन इनका बॉडी में जो फेदर्स होता है वो बिल्कुल ब्लड रेड कलर का होता है सिंदूर की तरह, और इनका पूरा आँखों के ऊपर से लोअर एब्डोमेन तक पूरा पार्ट रेड फेदर से बिल्कुल भरा होगा, और जो गले के पास जो थोड़ा सा भी ब्राइटनेस कम होता है वो हाइपर में बिल्कुल भी नहीं होगा। हाइपर रेड फैक्टर में बिल्कुल पूरा बॉडी का जो कलर है वो ब्लड रेड कलर का होगा, और वो बिल्कुल मतलब सिमिलर होगा, पूरा बॉडी में जो कलर होगा पूरा लोअर एब्डोमेन से आँख तक पूरा बॉडी रेड कलर के फेदर से भरा हुआ होगा। कोई भी पोजीशन में रेड कलर का इंटेंसिटी कम नहीं होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरा घर का ये सब ब्रीडर पेयर है, एक मेल है, इसका फीमेल बच्चे में बैठा हुआ है। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और भविष्य में आप लोगों को अगर जेनेटिक्स के बारे में भी जानना है तो मुझे बताना। मुझे जितना
पता है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। मैं भी सब कुछ नहीं जानता, मैं भी कोई अगर ज़्यादा जानते हैं मैं भी चाहूंगा कि वो आपके अपना नॉलेज को शेयर करे, क्योंकि सब लोग अगर अगर हम लोग कुछ कुछ जानते हैं और आप हम लोग अगर नॉलेज को शेयर करते जाएंगे तो हम लोग भी बड़े बिल्डर भविष्य में बन सकते हैं। ये मेरा खुद का बात नहीं है, कोई भी बन जाए इंडिया से तो मैं मुझे बहुत खुशी होगा। पाकिस्तान इस फील्ड में बहुत आगे है, उन लोगों का जो ब्रॉड ब्रीडिंग टेक्निक है वो ही डिफरेंट है, वो लोग जेनेटिक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और एक बात शेयर करना है दोस्तों, जो डबल रेड फैक्टर जीन है ये तो प्रोटीन से बनता है, इसीलिए प्रोटीन के ऊपर इनका कलर बहुत ही डिपेंड करता है। अगर आप किसी बच्चे को हैंड फीड में ले लेंगे बचपन से और उसे बड़ा करेंगे तो बचपन से उसका कलर आ जाता है। अगर ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट के पास बच्चा है तो बचपन में उन लोगों का कलर नहीं आता, इसका रीजन है प्रोटीन का कम मिलना, प्रोटीन का डेफिशिएंसी। मगर आप इस तरह का बार्ड को अगर घर में रख देंगे और इन लोगों का जब जुबिनाइल कंडीशन होगा, मतलब इन लोगों को जब किशोर अवस्था में आएगा, तो इन लोगों का कलर जो इनके जीन्स के अंदर जिन इतना भी इन्फॉर्मेशन छुपा होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो इनके इनके जीन में अगर होगा कि इनके अंदर डबल रेड फैक्टर का जीन है तो वो आपको जुबिनाइल कंडीशन में, मतलब किशोर अवस्था में इनका कलर आप पूरा देख सकते हैं। तो अगर आपके पास डबल रेड फैक्टर बर्ड है और जब बच्चा हो रहा है तब अगर इन लोगों का फेदर का कलर नहीं आया है तो आप लोग रुक जाइएगा, 8-9 महीना जो अब इस बच्चे का एज होगा तो तब इसका कलर बिल्कुल आ जाएगा। इनका जो जेनेटिक्स के अंदर जितना भी इन्फॉर्मेशन छुपा होगा, जब इनका कलर 8 से 9 मंथ होगा तो इनका सारा इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं सान कनोर का जो बच्चा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मगर उनका जो जीन्स है वो जब उनका जब जुबिनाइल कंडीशन आता है, मतलब किशोर अवस्था, तो अब उसके जो ओरिजिनल कलर आना है तो वो बिल्कुल जेनेटिकल चेंज के वजह से उनका जुबिनाइल कंडीशन में वो कलर आ जाता है। मतलब जब किशोर अवस्था में वो तो 1.5 साल में होता है तब उनका फेदर्स भी सारा बॉडी का कलर येलो हो जाता है, यही जेनेटिक्स है दोस्तों। तो जब भी आप लोगों के पास कोई भी बाढ़ होता है जो उनका बच्चा होगा थोड़ा सा कम कलर का होगा तो इसका एक ही मतलब है कि उसका प्रोटीन डिफिशियंसी था बचपन में। तो वो बच्चा जब बड़ा होगा, जब किशोर अवस्था में आएगा, उस बच्चे का जो कलर आना है वो किशोर अवस्था में भी आ जाएगा, मतलब स्मॉल कुनी में 8-9 महीने एज में ही उसका सारा कलर आ जाएगा। अगर उस एज में उस बाढ़ का कलर नहीं आया है तो वो बाढ़ उस जीन का नहीं है, और अगर आप हाई प्रोटीन देंगे तो बचपन में ही वो कलर आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास का बाढ़ है मगर मेरे जो जीन्स है वो बचपन से बच्चे का कलर नहीं आता, ये सही नहीं है दोस्तों। ये प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा ही है, जेनेटिक्स प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, विजिट अगेन टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।